अस्सलाम वालेकुम मेरी YouTube फैमिली, कैसे होंगे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब जा रहे हैं, खुश रहे हैं, बात रहे हैं अपनी फैमिली में, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो माशाल्लाह से देख सकते हैं मैं बाहर आई हुई हूँ। तो आज मैंने नया ड्रेस अपनी सिस्टर से सिलवाया है। माशाल्लाह से देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। तनिया भी है साथ में और कमीज़ भी है, इस पर लैस भी लगी हुई है। और ये दुपट्टा बस मैच नहीं कर सकता है क्योंकि दुपट्टे इस साइज के भी हैं भी नहीं। तो फिर ये पहनने जाऊंगी और आप कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आज मेरा सूट कैसा लग रहा है और मैं कैसी लग रही हूँ। प्लीज मैं इंतज़ार करूँगी। अस्सलाम वालेकुम मेरे जितने प्यारे बहन भाई हैं ना, मैं सबके लिए बहुत सारी दुआ करती हूँ कि वो जहाँ रहें खुश और आबाद रहें, हमेशा अपनी फैमिली में हंसते और मुस्कुराते रहें। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं, मतलब कि फातिमा ने कर लिया है और माशाल्लाह से फातिमा को नज़र न लगे, बहुत ही प्यारी लग रही है। दुपट्टे तो इसके वैसे भी बहुत सारे हैं, हर किस्म के हैं, मगर सफ़ेद नहीं था तो हमने कहा चलो यही मैच कर देते हैं। तो शाम का टाइम है, इधर साथ ही हमारे हमसाए क्या ये कबूतर उड़ाने के लिए आए हुए हैं। तो अभी ना देखे उड़ेंगे तो हम आप लोगों को दिखाएंगे, क्योंकि वो आपस में जैसे कि दो के एक साइड पे होते हैं 10 कबूतर और दूसरी साइड पे भी होते हैं, तो वो आपस में जो कबूतर जिनके ज़्यादा हो गए तो फिर वो उनके पास चले जाते हैं। तो अभी इधर से सड़क पर आए हुए हैं उड़ाने के लिए, तो मैं लकड़ियाँ बना ली हैं। तो अभी चलती हूँ अंदर, तो बाकी का जो मतलब क्या जो रेसिपी बनाएंगे तो वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। ये कुहाड़ी भी ले लो। तो आप देख सकते हैं अभी यहाँ किचन में पहुंच चुके हैं। माशाल्लाह से अम्मी प्याज काट रही है, तो आज भी कुछ खास चीज बना रहे हैं जो सबसे मुझे पसंद है, वो भी आपको बता देंगे। इंतजार आत्मा को भी पसंद है और आप लोगों को भी बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि अक्सर लोग खाते भी वही चीजें ज्यादातर, और हमारे यहाँ ज्यादातर बनती नहीं है, मतलब कि हम ज्यादातर बनाते नहीं है, तो आज हम बना रहे हैं तो हमने सोचा चलो आप लोगों से भी शेयर कर लें। से देख सकते हैं हमारे छोले उबाल हो चुके हैं, आज हम बना रहे हैं छोले वाले चावल, बहुत ही अच्छे बनते हैं, अक्सर शहर वाले लोग यही खाते हैं। और हमारे पास तो गोश्त नहीं है कि गोश्त डाल सकते हैं, वैसे शहर वाले गोश्त डालते हैं और भी अच्छी अच्छी चीज़ें डालते हैं, और ज़्यादातर चावल ही खाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ तो यहाँ बनाया नहीं जाता अक्सर, महंगे बहुत ज़्यादा है ना, सस्ते हो तो खेल लें, ये भी अच्छी बात वनस्पति के लिए है। कि ये ना ये चावल में डालते हैं बहुत ही मज़ेदार बनता है, और ये है बिरयानी में एक तो हंसी भी बहुत आती है ना, फर्क तो लेती हूँ पर हंसी बहुत आती है। इन दोनों को रख देते हैं और यहाँ पे देखिए फोटो को भरा हुआ है, और अम्मी अभी टमाटर काट रही है माशाल्लाह से, चलो उबाल हो चुके हैं उसको निकाल देंगे फिर, और चावल भी अंदर पड़े हैं वो भी ले आओ फिर उनको भी धोते हैं। वो ले तो प्यारे बाज एक और बात भी आप लोगों से शेयर कर लें, क्योंकि अभी शुएब नहीं है तो शुएब ना अपनी दादी जान को लेकर चला गया है उधर दवाई लेने भालपुर, तो उनके चाचू भी उनके साथ गए हुए हैं, तो उसने कहा चलो शुएब भी साथ चला जाए, तो इसीलिए वो उनको लेकर गए हैं। तो शाम तक तकरीबन 10-9 बजे तक आ जाएंगे। तो माशाल्लाह से अभी ना मैं छोले निकाल रही हूँ, मुझे तो मैं जल्दी से निकालू, पानी गर्म है ना, सारा सामान मम्मी ने बना लिया है, प्याज भी और टमाटर भी मिर्चें भी और सब सामान भी निकाल लिया, और ये पूरियाँ भी आ गई हैं। Thank you.
अभी हमारे मसाले को तड़का लग चुका है, इसमें हम पानी डालते हैं। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कबूतरों वाले के पास मैं पहुंच चुकी हूँ। माशाल्लाह से देखें अभी कबूतर उड़ा रहे हैं। तो अभी हम इस चावलों को दम पे लगाते हैं। जैसे दिल वाले हूँ वैसे हैं भी, ये तो देवरी में बनाते हैं। मुझे साथ चढ़ावा क्योंकि किसी ने ना साकिब से खेला है, रहे थे ना साथ चढ़ गया है। अभी ये किसके लिए पहन लो, अपने के लिए अभी पहन लेते हैं और पड़े रहे जो पहने का फिर नहीं। फिर उधर ना साकिब और जुहेब के लिए वो आपके साथ खेल रहे थे तो उन्होंने कहा था चावल बना रहे हैं, तो फिर वो भी तो जब भी बनाते हैं ना फातिमा को देते हैं, तो हम भी बनाते हैं तो हम भी उनको देते हैं। मज़ेदार बने हैं, इतने मज़ेदार बने मैं आपको बता नहीं सकती। अम्मी ने अभी मुझे देना, मैं दे आऊँ पहले ठंडे तो हो जाएं। ठंडे भी वो उन्होंने निकाल लेंगे, आप खुद ठंडे। हाँ तो वीडियो का भी यही पेंट करती हूँ और अपने तमाम प्यारे बहन भाइयों के लिए भी बहुत सारी दुआ करती हूँ कि वो जहाँ रहें खुश और आबाद रहें, हमेशा अपनी फैमिली में हंसते और मुस्कुराते रहें। तो इंशाल्लाह हम अच्छे वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।